37,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, वापस नहीं लिया, ले गया, ठीक है। अब देश के किसान वो भी कर्जा लेते हैं, 20,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 30,000 का लेते हैं, 40,000 का लेते हैं। तो हिंदुस्तान के किसान जब कर्जा वापस नहीं करते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, मगर अनिल अंबानी जैसे चोर अगर कर्जा माफ नहीं करते तो उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। क्या आपको ये ठीक लगता है? ठीक लाइन नहीं लगता ना? देखो 12 साल का लड़का कह रहा है कि ठीक नहीं लगता मुझे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सुल्तानपुर का, यूपी का, हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद, ऐतिहासिक निर्णय है सुनिए, हिंदुस्तान का, सुल्तानपुर का, अमेठी का, यूपी का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। जिस दिन आप किसानों को जेल में डालना चाहते हो उस दिन आप अनिल अंबानी को जेल में डालो, मैं किसानों को, मगर जिस दिन तक हिंदुस्तान के चोर अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोर कर्जा ना लौटाने के लिए बाहर रहेंगे, उस दिन तक हिंदुस्तान के ईमानदार किसान जेल में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। संजय सिंह जी को देखिए, संजय सिंह जी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, संजय सिंह जी को जिताना है और उनके लोकसभा में भेजना है, इनका वहाँ पे कारण है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। So Congress President Rahul Gandhi there making a very important announcement saying that in Uttar Pradesh no farmer will go to jail for defaulting on debt. Remember, farmers crisis is one of the key election issues in Uttar Pradesh, and Uttar Pradesh is a state which goes to polls in every phase of this general election. So Rahul Gandhi there making a very key promise in Sultanpur in Uttar Pradesh, saying that he has decided that if their government comes to power, no farmer will go to jail for defaulting on debt.